अकेले लड़ते रहे ऋतुराज, बाकियों ने नहीं दिया साथ। सबसे अहम मौके पर ढेर हुआ सीएसके का स्टार गेंदबाज, नहीं चला माही का मैजिक। कप्तान धोनी की तीन बड़ी गलती से सीएसके को मिली पहली हार। धमाकेदार अंदाज में आईपीएल 2023 का आगाज हुआ, जहां अपने होम ग्राउंड पर गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को किया चारों खाने चित। पहले गेंदबाजी करते हुए शुरुआत में मार खाने के बावजूद हार्दिक एंड कंपनी ने शानदार वापसी की। एक एंड पर गायकवाड़ छक्कों की बारिश करते जा रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से बाकी बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन का रास्ता नाप रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने अकेले 50 गेंदों में 92 रनों की शानदार पारी खेली। बावजूद इसके बाकी बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के चलते सीएसके की गाड़ी 178 रनों पर ही रुक गई, जो एक समय 200 रनों के पार जाती हुई नजर आ रही थी। और यहीं पर एमएस की तरफ से पहली गलती हुई, जहां सीएसके ने रायडू के विकेट के बाद बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा से पहले शिवम दुबे को भेजा। यही वो लम्हा था जब टाइटंस के गेंदबाजों ने सीएसके की गाड़ी पर पूरी तरीके से ब्रेक लगाया। शॉर्ट बॉल की रणनीति से शिवम दुबे पर लगातार प्रहार किए गए और दुबे साहब के बल्ले से गेंद दूर दूर तक नहीं लगी। नतीजा 13 से 17 ओवरों के बीच सीएसके सिर्फ 30 रन जोड़ पाई। 18 गेंदों में केवल 19 रनों की धीमी पारी खेलकर दुबे चलते बने और इसी फेज में ऋतुराज गायकवाड़ भी काफी देर तक स्ट्राइक से दूर रहे, जिसके चलते सीएसके एक विनिंग टोटल तक पहुंचने में नाकाम रही। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी गलती गेंदबाजों को रोटेट करने में हुई। अमूमन सीएसके की गेंदबाजी में कम से कम 6 से 7 विकल्प होते हैं और कप्तान धोनी ज्यादातर अपने विकल्पों का इस्तेमाल करते भी नजर आते हैं, लेकिन इससे पहले मुकाबले में माही ने केवल 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किए गए तुषार पांडे जब इस मैच में 15.5 की इकोनॉमी से रन लुटा रहे थे, तब भी एमएस ने मोइन अली या शिवम दुबे में से किसी को छठे बॉलिंग ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल ही नहीं किया। इस नई कप्तानी स्टाइल को देखकर कई फैंस को भी हैरानी हुई। सीएसके की हार के तीसरे और सबसे प्रमुख कारण कई बड़े नामों का इस मुकाबले में ना चलना भी रहा। 16 करोड़ी बेन स्टोक्स सीएसके के लिए डेब्यू पर केवल 7 रन बनाने में कामयाब हो सके। जडेजा भी अंत में कोई तेज तर्रार पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाए। ऊपर से मोइन अली और अम्बाती रायडू ने भी खराब शॉट मारकर अपना विकेट फेंका, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ की एक शानदार पारी पर पूरी तरीके से पानी फिर गया और गुजरात टाइटंस ने तीसरी बार लगातार सीएसके को हार थमा दी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है सीएसके के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।